वैसे जो सफर जिंदगी की परेशानियों से बेफिक्र होके किया जाए ना, उसका मजा ही अलग है। जिंदगी तू है कितनी उलझती। ठीक है भाई, इस्लामाबाद से दाखिल हो गया मैं मोटरवे M2 पे। बाकी इस सफर में आप लोगों के अलावा हमारा साथ दे रहे हैं ये दो बच्चे और एक और शख्स। पूरे 375 किलोमीटर हमने तय करने। ये मोटरवे पाकिस्तान की सबसे बेस्ट मोटरवे है, जिस पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं किया ना तो ज़रूर करें एक बार। इवन M5 जो है वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। M5 पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 2 के अभी नहीं बनी हुई है। M2 मोटरवे पे सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो कलर कार की तरफ से, जहाँ पे पहाड़ काट के मोटरवे को उसके दरमियान से गुजारा गया। तो इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बहुत देख के गाड़ी चलानी है, चढ़ाई और उतराई दोनों पर, क्योंकि यहाँ ब्रेक फेल होने का बहुत खतरा होता है। और कलर कहार से याद आया कि खेवड़ा सॉल्ट माइंस का रास्ता भी इधर ही से आता है। और खेवड़ा माइंस के बारे में आपने पढ़ा तो होगा उर्दू या माशरती उलूम की किताब में स्कूल के जमाने में। पेट्रोल भरवा ले भाई, बस पता नहीं क्यों फुल नहीं कराया, बोला 7,000 का भर दो। अच्छी इकोनॉमी से जा रही है कार इस वक्त तो। बाकी M2 पे तो मार्ट्स ही मार्ट्स हैं, बहुत वहाँ पीछे भी हैं, खाने की जगहें भी हैं। इस वक्त तो 18.1 की इकोनॉमी है। कुछ कहानियों का होता अंजाम ही नहीं, कुछ रिश्तों का है होता कोई नाम। M2 की ये भी अच्छी बात है कि तमाम पेट्रोल पंप्स पे कार्ड चल रहा है। मेला मुझे रास्तों में उन के मंजिलों पे आता बराम ही नहीं। तकरीबन जितने भी बड़े शहर हैं उनके इंटरचेंजेस आएंगे रास्ते में। बोले तो पहलवान की रेवड़ी ले लूं आपके लिए। लगती है पूरी क्या करेंगे। M2 की स्मूथनेस इतनी जबरदस्त है, ये गारंटी से बता रहा हूँ आपको। अगर चढ़ाई नहीं आ रही या उतराई नहीं आ रही ना, तो आप पानी का ग्लास भर के डैशबोर्ड पे रखें, नहीं करेंगे। तेरे थे हम तेरे ही रहेंगे, बाकी आते जाते चेहरे ही रहेंगे। FWO वाले इस रोड का इतना ख्याल रखते हैं कि इसमें आपको छोटा सा भी गड्ढा नहीं मिलेगा। आलू फ्राइड चिकन। तो सामने कलर कहार के पहाड़ी सिलसिला आ रहा है, इसी को काट के मोटरवे निकाली गई है बीच में से। अब ये है कि चढ़ाई आएगी और फिर उतराई आएगी ये, और आप लेफ्ट राइट जो पहाड़ देखेंगे ना उसका पैटर्न बड़ा डिफरेंट है, यूनिक है। यहाँ बसेस को और ट्रक्स को रोकते हैं और इनके ब्रेक्स को ठंडा किया जाता है, चेक किया जाता है। ये रुकी हुई है कोचेस, कितनी भी स्पीड बता दो ये तेज ही जाएंगे। ये पहाड़ चेक करें और इसके बीच का रोड, ये देखा अगर ब्रेक फेल हो जाए तो यहाँ पे चढ़ा सकते गाड़ी, रैंप बनाए। याद करनी है इसलिए ये सब स्लो स्लो जा रही है। दूसरा ये कि यहाँ पे चालान भी होते हैं। वैसे जिंदगी भी इन रस्तों की तरह ही है, एहतियात से गुजर गए तो समझो मंजिल तक पहुंच गए। बस खत्म हो गया अभी वाला पैच ना, ऑलमोस्ट आखिरी रह गया ये राउंड। भाई आप लोगों ने तो नहीं चलाई ना तेज गाड़ी। नहीं, नहीं, नहीं। अब 6:20 हो रहे हैं, बीच में रुक के असर और मगरिब पढ़ लेते हैं, टाइम मिल रहे होंगे उस वक्त पढ़ लेंगे। बाकी यार इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। बाय द वे अब जो सर्विस स्टेशन आएगा ना वो भेरा का है, और यहाँ पे तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं खाने की।
बाकी ये क्या कर रहे हो ऊपर भाई? झेलम रिवर था ये, इतना भी अच्छा फ्लो नहीं है लेकिन झेलम रिवर आ गया भाई, आ गया। हार्डीज भी है इधर, एमसी डोनाल्ड भी है, हाँ हाँ पता है मैकडोनाल्ड। मैं नमाज पढ़ने रुका भाई, कुछ खा नहीं रहा। क्या हुआ भुक्कड़ समझा भाई क्या? अरे डंकन डू भी है भाई। रज देखे इधर, लोग पार्टी करने आते हैं भाई बेरा पे। भेरा भेरा है भाई। यूजुअली लोग जो इस्लामाबाद से M2 पे दाखिल होते हैं ना, वो भेरा पे आके रुकते हैं। ये रही मस्जिद यहाँ की, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना यहाँ पे। यार मगरिब की नमाज़ में अभी थोड़ा टाइम है, तो दोबारा ड्राइव का फैसला किया। बाय द वे यार माहौल देखे, वहाँ से मार्च स्टार्ट है, डंकन डोनट है, हार्डीज है, इसके पीछे मैकडोनल्ड्स है, यहाँ लेफ्ट पे हैं कुछ चीज़ें और फिर वो सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो वाइब्स हैं भाई यहाँ की, ट्रैवल वाली और एंटरटेनमेंट वाली। ट्रैवल कर कर के कार देखे हमारी, बारिशें मिली हर जगह, पप्पी लेने का दिल चाह रहा है अपनी कार की। हाँ क्या साथ देती यार, यार डोनट की बाकियात मिली है मुझे। कहा लेना चाहिए इंसान को सब्र शुक्र करके। थैंक यू। यस मूव। यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो सकती हैं। ग्लोरिया जीन्स भी है यहाँ, कॉक एंड बुल भी यहीं है, और भाई सबवे भी है यहाँ, मतलब बस हद हो गई। कलर कार के बाद 16.8 पे आ गई थी इकोनॉमी, सही हो जाएगी। खैर ये भी सही है, इस इकोनॉमी से भी पहुँचे लाहौर तो बहुत है। ऐसी कई बेनामी जगह इस सफर में नजर आती है जिनका नाम जानना मेरे लिए जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी खूबसूरती उनकी पहचान है। एक पैसेंजर एक्टिव है, एक को नींद आ रही है। आगे का सफर अब अंधेरे में कटेगा, डेढ़ घंटा है अभी भी पहुंचने में हमें। यार ये पुल का डिजाइन चेक करें यार, पूरे मोटरवे पे ऐसा डिजाइन नहीं है भाई। पता नहीं मच्छर आके टकराए हैं, कोई कीड़े आके टकराए हैं, विजन ही गंदा हो गया। विंडशील्ड साफ ही नहीं हो रही, पानी से भी नहीं हो रही, अंधा कर दिया। आप देखें रिफ्लेक्शन में इतनी रोशनी है, पीछे से इतनी हाई बीम पे चला रहे हैं जैसे शिकार पे निकले हो। लो भाई इस एक्सपीरियंस में बारिश और होनी थी, बारिश हो गई भाई। भाई शदीद बारिश में शेखुपुरा वाला हमने इंटरचेंज ले लिया और लाहौर में दाखिल हो रहे हैं उससे। इस ट्रिप पे तो हम जहाँ जहाँ गए वहाँ बारिश मिली है, बरकत बरकत। मैं अब इतना मानूस मुसाफिर हो गया हूं कि इस सफर से बाज ही नहीं आ रहा। फिर मिलेंगे किसी अगले सफर में। भाई 940 टोल था, 16.3 की इकोनॉमी से आया भाई।